फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाएंगे ईमेल आइकॉन। पहले हम लेंगे रेक्टेंगल टूल और आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे 300 पिक्सल बाय 200 पिक्सल। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल आ गई हमारे पास 300 बाय 200 पिक्सल की। अब हमने इसका फिल नन रखना है और स्ट्रोक ब्लैक। अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट टूल के अंदर और हमने करना ये है कि प्रेस एंड होल रखनी है अपनी शिफ्ट की को, और हमने एक लाइन नीचे लेके आनी है ऊपर से ऐसे नीचे, ये ऐसे। फिर ऊपर से, फिर नीचे, फिर नीचे से ऐसे ऊपर लेके जाते हैं एक। हमने लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है तो इसलिए हमने क्या करनी है, शिफ्ट की को हमने प्रेस एंड होल्ड रखना है। यहाँ से हम ये ऊपर ले जाएंगे, अब हम इन जितनी जो फोर है ना लाइन, इनको हम सेलेक्ट करते हैं ये सिलेक्शन टूल के साथ, और इसका जो है ना स्ट्रोक वेट हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं 10 का। अच्छा, अब ये जो ऊपर जो है ना ये एज, इनको हमने रिमूव करना है, तो हम लेंगे शेप बिल्डर टूल, शॉर्टकट की शिफ्ट एम, और हमने अब करना ये है कि प्रेस एंड होल्ड रखनी है अपनी ऑल्ट की, और जहाँ जहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे वो हिस्सा रिमूव हो जाएगा। तो अब ये जो ऊपर वाले दो है ना लाइन, इनको हमने करना है ज्वाइन, तो इनको सेलेक्ट करें या आप दबा दें कंट्रोल जे, या आप इधर से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसके नीचे जो ये जो एज है ना, ये जो इनको हमने थोड़ा सा ऊपर ना राउंड करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आगे क्लिक करेंगे ऊपर, इसको पकड़ के ये हमने थोड़ा सा राउंड कर दिया। अब हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन पाथ। ये क्या काम करेगा कि ये ना स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर देगा आउटलाइन स्ट्रोक। अब हमने इन सब को ना यूनाइट करना है, तो हम इन सब को पहले सेलेक्ट करते हैं, विंडो पाथ फाइंडर पे आएंगे, उनको हमने पहले सेलेक्ट किया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं विंडो एंड देन पाथ फाइंडर पे, जो पहला ऑप्शन है यूनाइट का, इस पर हमने क्लिक कर दिया, तो ये हो जाएंगी यूनाइट हो जाएंगी। अब हमने इसको और जो ये हमने जो चार लगाई थी लाइन, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है। या आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, इसको पकड़ के सेलेक्ट कर लें, या इसे सेलेक्ट कर लें, या आप ऐसे मुकम्मल ऐसे अगर माउस के साथ सिलेक्शन लेंगे तो भी जो आपकी दोनों शेप्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी। अब आप करते हैं विंडो पाथ फाइंडर एंड देन माइनस फ्रंट, इसका मतलब है कि जो सामने वाली जो है ना जो शेप है वो पिछली शेप से आगे से माइनस हो जाएगी। अब हमने इसमें ब्लैक कलर करना है, फिल करना है, तो फिल हमने ब्लैक रखना है और स्ट्रोक हमने नन रखना है। तो ये हमने एक ईमेल आइकॉन जो है वो बना लिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।